बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉल्व अलजबरा का क्वेश्चन है, 2x - y प्लस 2x + y इज इक्वल टू 4x। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, जब वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब यहाँ से हम 2x या 2 जो y है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो एक वेरिएबल में हम 2x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं अब इक्वेशन जो है वो 3 कह देता हूँ। अब बाय इक्वेशन 1 इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, यानी कि इसमें टेक्निक है जिस मेथड से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, शायद आप इससे आसान मेथड और कर लें या इससे मुश्किल मेथड से कर लें। तो ये एक टेक्निक है क्वेश्चन की, कोई अभी कोई फार्मूला नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि वेरिएबल पावर में आ गया है तो लॉज ऑफ जो इंडाइसिस हैं वो हम ज़रूर फॉलो करेंगे। इसमें मैं इसमें लिख सकता हूँ 2x और 2-y और 2x और 2y। अब बेस सेपरेट करके, बेस सेम करके तो पावर्स को आप अलग-अलग कर सकते हैं। और ये जो 4 है इसको मैं 2 और ऊपर x लिख सकता हूँ। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब मज़ीद मैं इसको लिख सकता हूँ 2x ओवर 2y प्लस 2x और 2y। या आप ऐसे करें कि अभी इसको डिनोमिनेटर में लेके ना जाएं। अब इन दोनों में देखें तो 2x जो है वो कॉमन है, ये ज़्यादा आसान है। ऐसे ही आसान काम ही करना चाहिए, तो यानी कि मुश्किल काम भी जो है ना वो आसान तरीके से ही उसको जो है वो करना चाहिए। देखें ये आ जाएगा 2x, 2x पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं ये जो 2x है इसको इधर ले जाता हूँ और 2-y, 2y और 2x ओवर 2x ऐसे ही है। अब बेस है मैं पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2y प्लस 2y और 2x और 2-x। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कोई खिचड़ी नहीं बन रही है, अब टेंशन नहीं लेनी। हम अभी इसको बड़ा आसान बना लेते हैं। और तो ये बन जाएगा 1/2y प्लस 2y और 2x और -x। तो ये बन जाएगा बेटा 1/2y प्लस 2y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर हम जो है ये जो 2x है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि बाय इक्वेशन 3 जो है यहाँ पे लिखें बाय इक्वेशन 3, ताकि सबको जो है ना आप एक ही वेरिएबल में चेंज कर लें। तो ये बनेगा 1/2y प्लस 2y और 2x की जगह पे हम लिख लेंगे 3-2y। ओके, इसको उठा के इधर ले आते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा 1/2y और 2×2y, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही है। अब अभी तक ये 2y जो है, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करें सोचें ज़रा। हम इसको अब अदर वेरिएबल में लेके जाते हैं, यानी कि मैं लेट कर लेता हूँ कि 2y जो है ये t के इक्वल है। अदर वेरिएबल में हम इसको चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 1/t प्लस 2t + 3। ऐसे ही है। अब इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 3 है। अब t से मैं सबको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1 + 2t² इज इक्वल टू 3t।
अब मज़ीद देखें तो 2t² माइनस 3t प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 3t जो है वो इधर आके माइनस हो गया। अब इसके फैक्टर बनाते हैं तो 2t² माइनस 2t और माइनस t प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 2t जो है बेटा कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ब्रैकेट में t माइनस 1। ओके, साथ साथ रहिएगा आप लोग। तो ये बनेगा 2t माइनस 1 और t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से t फाइंड करते हैं तो 2t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2t इज़ इक्वल टू 1, t इज़ इक्वल टू 1/2 और t इज़ इक्वल टू 1। अब t की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दें 2 की पावर y, तो ये बनेगा 2 की पावर y, और 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई -1। ऐसे ही है। अब यहाँ पर देखें तो t जो है इसकी जगह पे लिखा 2 की पावर y इज़ इक्वल टू 1, तो ये जो 1 है इसको मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। अब ये जो y की वैल्यू है ये आपने पुट करनी है इक्वेशन 3 में ताकि हमें x मिल जाए। यहाँ पे देखें 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 की पावर y, और 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 की पावर y निकल आए हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2 की पावर x 3 माइनस 2 की पावर -1, 3 माइनस 1/2 एलसीएम लिया, 6 माइनस 1/2 तो 5/2, 2 की पावर x इज इक्वल टू 5/2। तो इस पे बेटा log अप्लाई करें तो ये बन जाएगा log 2, और बल्कि इस तरह से एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2.5। ऐसे ही है, 5/2, 2.5 log लिया तो ये बन जाएगा log 2, 2.5 इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी log 2.5 base 2। ओके, तो ये x की वैल्यू आ रही है, जब y की वैल्यू जो थी वो -1 थी। अब देखें y की वैल्यू 0 इसमें पुट करें तो ये बनेगा 2 की पावर x 3 माइनस 2 की पावर 0, और 2 की पावर x 3 माइनस 1 और 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 भी लिखा जा सकता है, बेस सेम है, पावर इक्वल लिख दें। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू है वो मिल गई 1। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है वहाँ पे। तो सॉल्यूशन सेट में मैं पहले x की जगह लिखूँगा, x की वैल्यू 1 है तो y 0 है, ये वैल्यू लिख ली। और फिर x की जो वैल्यू है वो है log 2.5 base 2, और y की वैल्यू जो है वो -1। तो इसको बेटा ब्रैकेट में इस तरह से हम लिखते हैं और सॉल्यूशन सेट, यानी कि इसके बाद ये वाला स्टेप करना है आपने, सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस थी, तो मैंने बेहतर समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, मैथ में कोई चीज़ भी सीखूं तो कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसको देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।